महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले आपको बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि आप कल तक हमारे बीच में बैठे थे और आज आप लोकसभा के उस सीट पर आसन होकर एक बहुत ही आप सौभाग्यशाली हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो और आपकी मनोकामनाएं सब पूरी हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप हम सबके साथ न्याय जरूर करेंगे। इस वक्त मैं जरूर हमारी पूर्व स्पीकर महोदया सुमित्रा महाजन जी को बहुत याद करती हूँ। आज राष्ट्रपति भाषण के ऊपर हम सबको कुछ कहने के लिए अवसर मिला है और मैं हमारे पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे ये समय दिया है आज। आई मस्ट से वी द मेंबर्स ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस आर रियली लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रेट ट्रांजिशन टेकिंग प्लेस इन आवर कंट्री, ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर डियर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इट वॉज हिज विजन एंड ड्रीम टू मेक आवर कंट्री एंड ब्रिंग इट टू अ न्यू लेवल, विच आई थिंक द वर्क ऑलरेडी स्टार्टेड इन द लास्ट फाइव ईयर्स फ्रॉम 2014 टू 2019, एंड दैट इज द रीजन वी वन विथ अ ह्यूज मार्जिन इन द लास्ट इलेक्शन। आई थैंक द एंटायर कंट्री, the people of this country who voted for us, I thank them beyond caste and creed they voted. That shows how much faith they have in us, and also all the women voters who came fearlessly forward and voted for us. Honorable President of India, he mentioned in his speech, it is a matter of pride for every Indian that when our country completes 75 years of independence in 2022, we would have achieved many national goals for building a new India. To pave the way for the golden future of new India, my government has resolved to work on an action plan. मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर सच्चा भारतीय अपने देश को फलते फूलते आगे बढ़ते विकसित होते देखना चाहता है। ठीक उसी तरह मेरा भी एक सपना था कि हमारा देश कैसा हो। जब भी मैं विदेश जाती थी तो मुझे लगता था कि यहाँ कितना अच्छा है, सब कुछ साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, वेरी वेल डिसिप्लिन। हमारा देश में ऐसा क्यों नहीं है? जब भी मैं वापस आती थी हमारे देश में तो मुझे बहुत दुख होता था कि ऐसा क्यों नहीं है, हमारा देश भी ऐसा होना चाहिए। तो मुझे कहते हैं कि भले देर से हो लेकिन खुली आंखों से देखा गया सपना सच होता है, और मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे जीवन काल में मोदी जी के नेतृत्व में मैंने इन सपनों को सच होते देखा है। मैं इन सपनों को सच होते देख रही हूँ, एक नए भारत का निर्माण होते देख रही हूँ, न्यू इंडिया बनते देख रही हूँ। मोदी सरकार के वैसे अनगिनत उपलब्धियाँ हैं, बहुत सारे हैं, जैसे किसानों के हित में, जवानों के लिए, वेलफेयर के लिए, और शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य में, ऐसे बहुत कुछ है। लेकिन सबसे ज़्यादा बहुत ही बढ़िया और अद्भुत जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट। आज मैं कहूँगी कि हमारे देश की बहुत सारी महिलाएं, स्पेशली द यंग वंस, आर डूइंग रियली वेरी वेल, और कंधे से कंधे मिलाकर बहुत कुछ काम कर रही हैं। आप देख लीजिए, जैसे बैंक में बैंक चेयरमैन के पदवी में हर सर्विस सेंटर में महिलाएं हैं। आप ये भी देख सकते हैं, मेट्रो भी चलाती हैं, ऊबर भी चलाती हैं, और यहाँ तक कि हम जिस हवाई जहाज में उड़ते हैं, बहुत सारी यंग पायलट्स आर देयर, यंग गर्ल्स आर फ्लाइंग द एरोप्लेन। यहाँ तक इतना ही नहीं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भी महिलाएं हैं, और ये भी सुना है कि एयरफोर्स में फाइटर प्लेन भी ये लड़कियां चलाती हैं। हैट्स ऑफ टू दोज यंग गर्ल्स। और इतना ही नहीं,
हमारे भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी महिलाएं आगे आई हैं और बहुत सारे क्षेत्र में, जैसे डायरेक्शन हो या फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग हो या कैमरा, बिहाइंड द कैमरा, ऑल काइंड ऑफ थिंग दे आर एबल टू डू, विच इज रियली रिमार्केबल एंड वी रियली फील वेरी प्राउड टू सी देम. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सो मेनी डॉक्टर इंजीनियर्स आर देयर, डॉक्टर्स आर देयर एंड साइंटिस्ट आर देयर, एस्ट्रोनॉमर्स, ऐसे बहुत सारे जगह पे हमारी महिलाएं बहुत सारे काम करती आई हैं. महिलाएं चाहे गांव की हो या शहर की, चाहे जिस जाति या धर्म की हो, मोदी सरकार ने उनको उनका हक दिलाया है. महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, खास तौर पर गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए, जैसे उज्ज्वला योजना, जिस योजना के बारे में मैं कहना चाहती हूं, कब तक आंखों में रहेंगे आंसू और फेफड़ों में चूल्हे का धुआं, कुछ ऐसा ही था गांव की महिलाओं का सोचना. लेकिन उन्हीं महिलाओं की आंखों से आंसू पहुंच के धुएं का रुख जिसने मोड़ दिया, ऐसी बनी उज्ज्वला योजना. महिलाओं के आत्मसम्मान और गरिमाओं को बचाने के लिए गांव-गांव के घर-घर में शौचालय का निर्माण करना, मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में बहुत सारी जो भ्रूण हत्या होती थी वो बहुत कम हुआ है अभी, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को रजिस्ट्री में प्राथमिकता मिलना, मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक बहनों के हक को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाना, ये साबित करता है कि आज हमारे देश के गांव की महिलाएं से लेकर शहर की महिला तक सबके विकास के लिए कितना काम हुआ है. यही तो है न्यू इंडिया. महोदय, जहां 2009 लोकसभा इलेक्शन में महिलाओं का वोट परसेंटेज सिर्फ 55.82% था, वहीं वो वोट परसेंट 2014 के इलेक्शन में 65.3% हो जाना और आश्चर्यजनक रूप से 2019 में जंप होकर 69% महिलाओं का वोट देना बहुत बड़ी उपलब्धि है, न सिर्फ सरकार की बल्कि देश की हर महिला की. और महोदय, संसद की इतिहास में पहली बार 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 50 या 60 नहीं, बल्कि 78% महिला सांसदों का इस सदन की गरिमा बढ़ाना, महिला सांसदों का इस सदन की गरिमा बढ़ाना देश की हर महिला के लिए सम्मान की बात है, अभिमान की बात है, जिसका श्रेय हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी को मैं देना चाहती हूँ. और एक बात ये कहना चाहती हूँ महोदय, कि जिस तरह पेड़ कभी अपने फल नहीं खाता, नदियाँ कभी अपना पानी नहीं पीती, बादल पानी बनकर खेतों में बरसता जरूर है, लेकिन खुद कभी उस खेत का अनाज नहीं खाता, उसी तरह हम सबका जन्म भी परोपकार के लिए हुआ है और हमें मोदी जी की तरह उनसे इंस्पायर होकर अपना जीवन लोगों के परोपकार और देश के उद्धार में लगाना है. महोदय, यहाँ एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि पानी हमारे देश की बहुत ही बड़ी समस्या है. अभी जहाँ पर अभी जिक्र हो रहा था, पानी तमिलनाडु में नहीं है, ऐसा नहीं कि पूरा देश में ये प्रॉब्लम है. तो मैं मेरी संसदीय क्षेत्र में जाती हूँ मथुरा में, पानी, ड्रिंकिंग वाटर स्पेशली इज़ ए वेरी बिग प्रॉब्लम. बहुत सारी महिलाएं तड़प रही हैं और मुझे खुशी है कि इस वक्त इस काम पर बहुत सारे काम कर रही है हमारी सरकार. खास तौर पर मैं जब जाती हूँ तो यमुना के शुद्धिकरण के बारे में वहाँ कहते हैं, वहाँ के साधु संत लोगों को ये पुण्य नदी जो यमुना का आचमन करना चाहते हैं, उस पानी से वो नहीं कर पाते हैं, तो उन्होंने हमेशा मेरे से कहा है कि आपको, आप सांसद तो बन गए हैं लेकिन आपको यमुना का शुद्धिकरण करना आपका ये कर्तव्य है. तो मैंने हमेशा कहा है मोदी जी से और मुझे ये खुशी है कि इस वक्त हमारी सरकार इस पर बहुत ही ध्यान दे रही है और बहुत सारे प्लांट्स भी लगा हुआ है पूरा मथुरा क्षेत्र में, यमुना नदी में, और काम शुरू हो गया है.
मैं हमारे मथुरा वासियों का आश्वासन देना चाहती हूं कि बहुत जल्द यमुना शुद्ध हो जाएगी। इसके लिए हमारी सरकार बहुत अच्छी तरह से जल्दी जल्दी से काम कर रही है। राधे राधे उन लोगों के लिए। महोदय, एक भारतीय होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूं कि वैसे तो सपने दो आंखों से देखे जाते हैं, लेकिन न्यू इंडिया का ये सपना दो आंखों से नहीं बल्कि पूरे 125 करोड़ भारतीयों के आंखों से देखा जा रहा है, और हम सबको मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में इस सपने को पूरा करके दिखाना है और बता देना है सारी दुनिया को कि भारत किसी से पीछे नहीं, भारत किसी से कम नहीं, भारत को आंख दिखाए अब किसी में दम नहीं। धन्यवाद। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.